नमस्कार, आप सभी को सुषमा का नमस्कार। आदर्श समाज की परिकल्पना भ्रष्टाचार रहित व्यवस्था, ईमानदारी, साखपूर्ण नैतिकता के साथ सामाजिक जीवन हम सभी जीना चाहते हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि अपराध ना हो, अनाचार ना हो, अन्याय ना हो, भ्रष्टाचार ना हो। फिर भी है और हो रहा है। समाज का हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, धनाढ्य बनना चाहता है, धन के बदले सामाजिक प्रतिष्ठा चाहता है, संसार की सारी सुख सुविधाओं का उपभोग करना चाहता है, और बहुत जल्दी, यानी इतनी जल्दी में है वो कि भूल जाता है किस राह पे चल रहा है, कैसे भी किसी भी तरह, और यही कारण बनता है भ्रष्टाचार का। आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि हम किस तरह हमारी शासन व्यवस्था और प्रशासकीय व्यवस्था में भ्रष्टाचार समाप्त कर सकें अथवा न्यूनतम कर सकें। राजस्थान सरकार ने इसके लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एंटी करप्शन ब्यूरो की स्थापना की है। इस ब्यूरो का उद्देश्य भी यही है कि स्वच्छ, पारदर्शी और ईमानदार शासन व्यवस्था को बनाए रखना है। हमारे कार्यक्रम में आज उपस्थित हैं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक डॉ आलोक त्रिपाठी जी। श्री आलोक त्रिपाठी जी MBBS डॉक्टर हैं, भारतीय पुलिस सेवा के 1986 बैच के IPS हैं, और राजसमंद, दौसा, सिरोही, चूरू, अजमेर, GRP, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर और अजमेर के पुलिस अधीक्षक, यानी 8 जिलों के पुलिस अधीक्षक, रेलवे, गवर्नर साहब के ADC, इंटेलिजेंस, टेलीकम्युनिकेशन, उदयपुर रेंज के DIG, प्लानिंग एंड वेलफेयर, क्राइम, विजिलेंस, आर्थिक मामले, मुख्यालय के IG के अलावा ADG आर्म्ड बटालियन, ATS SOG के पद पर उल्लेखनीय सेवाएं दे चुके हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में डॉ आलोक त्रिपाठी पहले DIG, फिर IG और अब ADG और अब DGACB के रूप में कार्य कर रहे हैं। यानी एक चिकित्सक की भाषा में कहें तो रोग, रोग के कारण, रोग का निदान और रोग की सर्जरी, सभी में आप सिद्धस्थ हैं। और ये हर दिन के अखबार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सुर्खियां भली भांति स्थापित करती हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक डॉ आलोक त्रिपाठी जी का आकाशवाणी की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। आपके माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से प्रदेश के सभी श्रोताओं को मेरा भी नमस्कार जी। और हमारे 27 जो रेडियो स्टेशंस हैं अलग अलग जिलों में, यानी पूरे प्रदेशवासी उनके जरिए आपको सुन रहे हैं और आज आपसे सवाल भी कर पाएंगे। तो पूरे देश में स्वच्छता अभियान बहुत गति पकड़ चुका है। जीवन में, व्यवहार में, राजकाज में स्वच्छता लाने के लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं, तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण आप क्या मानते हैं, और अधिकारी, कर्मचारी या अन्य व्यक्ति किन कारणों से भ्रष्टाचार करते हैं या भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते हैं, उसमें अपना किसी न किसी तरह योगदान दे देते हैं। भ्रष्टाचार के कारणों में अगर हम जाएं तो आपने थोड़ा सा उल्लेख पहले ही कर दिया था कि लोग जल्दी में हैं जी। हम जब अपने समाज में, अपने जो हमारी इकोनॉमी है उसमें जो चेंजेस होते हैं उनको छलांग मार करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारे क्राइम करते हैं, उनमें से एक भ्रष्टाचार भी करते हैं। समाज में नैतिकता की जो स्थिति है वो लगातार नीचे जा रही है। जो सार्वभौमिक मूल्य हैं हमारे इंसानियत के, उनमें भी कमी आई है। और जैसे अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो ये जरूरी है कि हमारा आचरण जो है वो भ्रष्ट ना हो, यानी कि हम सच्चाई की तरफ चलें, हमारी इंटीग्रिटी हो, ईमानदारी हो। अब ये कैसे आएगा? नैतिकता के दौर पे देखें तो सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि हम मनसा वाचा कर्मणा एक हैं या नहीं हैं। यदि हमारे मन में कुछ है, हमारी वाणी में कुछ है और हमारे कर्मों में कुछ है तो भ्रष्टाचार तो के बीच तो वहीं पड़ जाते हैं। बिल्कुल। और आप ही के माध्यम से कुछ पलों में ये भी जानेंगे कि किस तरह से इस मूल जड़ को खत्म करने के लिए आप प्रयासरत हैं। इससे पहले बात करते हैं ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट हमारे देश की है, वो है कि भारत का स्थान विश्व में भ्रष्टाचार के मामले में 78 है, यानी 78वां है। हम बहुत सुधार नहीं कर पा रहे हैं। भ्रष्टाचार के कारण सरकार की योजनाओं का लाभ टारगेट ग्रुप या लक्षित समूह तक नहीं पहुंच पाता है, तो इस कारण गरीब गरीब ही बना रहता है। आपका विभाग भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इस दिशा में किस तरह से काम कर रहा है? ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार हम 78 पे हैं, या हम और नीचे हैं या ऊपर हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम हमारे देश के नागरिक हैं और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज को, अपने देश को, प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएं। और सही मायनों में हम विकास के परिणाम अपनी जनता तक तभी पहुंचा पाएंगे जब हम भ्रष्टाचार मुक्त होंगे। भ्रष्टाचार मुक्त होना विकास की पहली शर्त है।
और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जितनी भी योजनाएं सरकार ला रही है, जितने भी विकास के काम हो रहे हैं, उसमें जो छीजत हो रही है, जो लीकेज हो रहा है, उसका एक प्रमुख कारण भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार दो तरह का होता है, एक तो व्यक्तिगत भ्रष्टाचार, जो व्यक्ति अपनी कुर्सी पर बैठकर मात्र अपने लिए भ्रष्टाचार कर रहा है। दूसरा एक संस्थागत भ्रष्टाचार होता है, जिसमें ऊपर से नीचे तक सारे सिस्टम में दीमक लग जाती है। तो हम इन दोनों को ही, दोनों पर ही प्रहार करते हैं। दोनों ही समाज में जो विकास हो रहा है उसमें रोड़ा बने हुए हैं, और इन दोनों पर ही योजनाबद्ध तरीके से इनको काबू करना और इनके खिलाफ कार्रवाई करना आवश्यक है। बिल्कुल, लीकेज की बात आपने करी और उसी के जरिए भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं वो मजबूत हो जाती हैं। आपने बहुत से दायित्वों में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में काम किया है, एडीजी, एसीबी और फिर डीजीएसीबी के रूप में। आपने 2 जुलाई 2016 से आप यहां कार्यरत हैं, तो गत 3 वर्षों के आपके कार्यकाल की अगर नजर डालें उस पर, तो आप अपनी उपलब्धियों से कितने संतुष्ट हैं, कितना आप वो कर पाए जो आप चाहते थे करना, कि मैं जब डीजी बन जाऊंगा तो इस तरह के प्रयास करूंगा, और ये जो प्रयास है वो किस तरह से बढ़ रहे हैं आगे, और कितना आप अपने आप को सफल मान रहे हैं? ये प्रश्न मुश्किल है जी। इसका कारण यह है कि संभवतः कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अगर संतुष्ट हो गया और संतुष्ट होकर के बैठ गया, तो मेरे ख्याल से उसके जीवन का जो सार है वो समाप्त हो गया जी। मैं ये मानता हूं कि मैंने जो भी कार्य किया है पूरी निष्ठा से किया है, और इन 3 वर्षों की बात ही क्यों करें, मैं 1986 से जब से राजस्थान में आया हूं जी। और इस कैडर में काम कर रहा हूं, पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से और निष्ठा से काम कर रहा हूं, और मैं जो काम कर रहा हूं उसमें कभी उपलब्धियां जो आपको नजर आती हैं मिलती हैं, जो आपको नजर नहीं आती हैं वो भी मिलती हैं, लेकिन असफलताएं भी मिलती हैं। लेकिन इन सबको अगर पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने जो काम किया है वो कम से कम संतोषजनक तो है, हालांकि आगे भी काम करने का अच्छा खासा स्कोप है। बिल्कुल है। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे। एक अंधेरा लाख सितारे, हमारे साथ हैं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक डॉक्टर आलोक त्रिपाठी। सर, इस पद पर रहते हुए और एसीबी में काम करते हुए आपको क्या महसूस हुआ कि जनता कितनी दोषी होती है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में? मतलब ये जो प्रोसेस है वो वन वे तो हो नहीं सकता, टू वे प्रोसेस है। आप कितना मानते हैं जरूरी कि जनता की भी ईमानदारी बहुत मायने रखती है इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए? जनता को मैं दोष नहीं देता जी, जनता तो उधर ही चलती है, जहां जिस तरफ देश चलता है, देश के नेता ले जाते हैं, देश के शासन प्रशासन चलता है। हां, जनता को जागरण का मंत्र देना ये हमारा काम है, और जो जनता अशिक्षा का शिकार है, जहां पर विकास नहीं पहुंचा है, जहां बेरोजगारी हो, वहां पर उन्हें दोष देने के बजाय ये सोचना चाहिए कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं
कि वो भ्रष्टाचार मुक्त हों और विकासोन्मुख हों। बिल्कुल, और अपना काम करवाने के लिए उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ हमें इस तरह की जो राह है वो पकड़नी है। बिल्कुल सही। तो आज प्रदेशवासियों के लिए सुअवसर है जब राज्य में एसीबी कार्यप्रणाली, सूचना प्रणाली, जनता से जुड़े विभागों में करप्शन की सूचना, कार्य में जानबूझकर रिश्वत लेने की मंशा से की जा रही देरी या अन्य कोई ठोस सूचना आपके पास हो, या आपने एसीबी को कोई सूचना दी हो उस पर कार्रवाई नहीं हुई है, आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, अन्य नैतिकतापूर्ण व्यवस्था, दैनिक जीवन में शुचिता स्वच्छता की कोई वैचारिक बात करना चाहते हैं, तो एसीबी के महानिदेशक डॉक्टर आलोक त्रिपाठी जी से आप साझा कर सकते हैं। उन सभी बातों को डायल कर सकते हैं आकाशवाणी जयपुर के नंबर्स जो आप ध्यान में तो रखे हुए हैं, लेकिन हम आपको बार बार बताते हैं 2200-600-2200-700-2300-6647-0141। ये है हमारा जयपुर का कोड। और हाँ, एक ही विषय पर सवाल दोहराए नहीं, वो हम शामिल नहीं करेंगे, एक विषय का एक ही सवाल शामिल करेंगे, और हमसे बात करते हुए रेडियो को, आवाज को जो है वो आप धीमा कर लें। पहले कॉलर तक हम पहुंचते हैं अपने। हेलो, कौन हमारे साथ हैं, जाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार। हेलो, नमस्कार जी, मैं इमरान बोल रहा हूँ मैडम, जोटवाड़ा से। बोलिए सर जी। जनाब स्टूडियो में आए उनका शुक्रिया जी। कोई सवाल करना चाहेंगे जी? मैडम सवाल भी है मेरा, मैं ये पूछना चाहता हूँ जनाब से जी कि ये बात तो इनकी सही है कि पब्लिक का कुछ रोल तो है भ्रष्टाचार में, क्योंकि पब्लिक उसमें शामिल है ये मैं मानता हूँ जी, लेकिन अगर पब्लिक शामिल ना हो तो पब्लिक का क्या फायदा है? मान लीजिए अभी जो ये नियम आए हैं, रूल आए हैं, हम मैं ट्रैफिक की बात करता हूँ जी, अगर पुलिस वाले ने मेरा चालान 2000 का काटा है और मैं 200 में छूटता हूँ तो इसमें मेरा फायदा है, मैं ये सोचता हूँ, मैं अपनी राय बता रहा हूँ। बिल्कुल, आपको लगता है कि जहाँ फायदा होता है जी सर, जहाँ फायदा होता है तो वहाँ भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं लोग, ये आपका कहना है? नहीं, मान लीजिए मैं वो 200 रुपए दे रहा हूँ और 200 रुपए देकर छूट रहा हूँ जी, लेकिन जब वो 200 रुपए लेंगे ही नहीं तो मेरी हिम्मत कैसी होगी? अगर मैं रिश्वत देता हूँ उसी वक्त मेरे ऊपर कार्रवाई हो और ये बात फर्स्ट पेज पर पेपर में आए कि देखिए रिश्वत दे रहे थे और इनको ऐसे ऐसे सजा हुई या कुछ भी कार्रवाई हुई, तो इससे एक नहीं 1,00,001,00,000 लोगों पर फर्क पड़ता है कि रिश्वत देने में होता क्या। लेकिन शुरुआत ये अधिकारी करें जी, रिश्वत बड़ी आसानी से ले ली जाती है। बिल्कुल इमरान जी, सर की बात सुन लीजिए आप जी, क्या कहना चाहेंगे? इमरान भाई, आपकी बात मैंने समझ ली, आप 2000 बचाने के लिए 200 दे करके छूटना चाहते हैं, ये भ्रष्टाचार की परिभाषा में आता है, और जो आदमी 200 रुपए दे करके बचना चाहता है वो भ्रष्टाचारी है। आपका कहना बिल्कुल सही है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति 200 रुपए ले रहा है और आपको छोड़ रहा है वो भी भ्रष्टाचारी है, और इस केस में जो आप बता रहे हैं इस प्रकरण में दोनों ही दोषी हैं जी। और अगर ऐसा मामला हमारे सामने आएगा तो जरूर कार्रवाई करेंगे। यहाँ पे ये बात भी जरूरी है बताना कि छोटी छोटी सुविधाओं के लिए, जिसको भ्रष्टाचार को भी सुविधा शुल्क कहा जाने लगा है, और ये छोटे छोटे भ्रष्टाचार या सुविधा शुल्क के नाम पे जो चोरी है यही बड़े भ्रष्टाचार को जन्म देती है जी। आगे बढ़ते हैं अगले कॉलर तक। हेलो, हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार, ये भ्रष्टाचार कर रहे तो मेरी शिकायत कहाँ पर करनी चाहिए फिर मैडम? अच्छा, कोई भी अगर ऐसा केस आपकी नजर में आता है, आपकी सूचना में आता है, तो आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से इसकी शिकायत हो। सर, आम जन जब इन चीजों से गुजरती है और वो शिकायत करना चाहती है तो कहाँ पहुंच सकती है? आपकी वेबसाइट, आपके नंबर्स या मेल आईडीज? देखिए, जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का हेडक्वार्टर है, जहां मैं बैठता हूं, हमारे अधिकारी बैठते हैं, और हमारा जो सेंट्रलाइज पुलिस स्टेशन है पूरे स्टेट का, एक ही पुलिस स्टेशन जयपुर में है, बाकी सभी जगहों पे चौकियां हैं। तो उस स्टेशन का नंबर है 271-2263 जी। तो जब भी आपको कोई सूचना देनी हो या कोई आपको सुझाव चाहते हो या कोई गाइडेंस चाहते हो, कोई कार्रवाई कराना चाहते हो, तो यहां संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे सभी सूचनाएं मौजूद हैं, सभी अधिकारियों के नाम और उनके नंबर भी हैं। हमारी कुल 55 चौकियां हैं और प्रदेश के सभी जिलों में हमारे अधिकारी हैं, उनके नंबर भी ज्ञात करके आप जो है उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो आपकी वेबसाइट पर पूर्ण रूप से सभी जो सूचनाएं हैं वो अवेलेबल हैं, जहां तक पहुंचा जा सकता है। अगले कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, हेलो, हाँ जी सर बोलिए। नमस्कार, विजय सोनी बोल रहा था सिविल लाइन से। बोलिए सिविल लाइन से विजय सोनी साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं कह रहा हूँ, वैसे तो
बहुत से लोग इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त है और कुछ नेता तो कुछ ज्यादा ही है, तो उनका मानना होता है कि भाई हमने 2-4 करोड़ लगा दिए तो अब उनको कवर करें, तो करते करते वो तो 1000 करोड़ के मालिक हो जाते हैं। जी सर, आप अपनी तरफ से भी कुछ कर रहे हैं तो उनकी राय दें हमें कुछ। नमस्कार नमस्कार सुनी जी, आपका मैं मतलब समझ गया। आप ये कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर के जो राजनीतिक जो जिसे कहते हैं इंटरफेरेंस कह लें आप, उसकी बात कर रहे हैं। तो जो राजनीतिक लोग हैं ऐसा नहीं है कि वो भी भ्रष्टाचार मुक्त हैं, वहां भी भ्रष्टाचार है। एक्चुअली समाज के सभी अंगों में, सभी विभागों में और सभी स्तरों पे भ्रष्टाचार है और काफी बड़े स्तर पे है। लेकिन हम जहां भी जो भी शिकायत प्राप्त होती है उस शिकायत की जांच करते हैं और जांच करने के बाद इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ये नहीं देखते कि भ्रष्टाचारी कौन है और किस स्तर का है और किस अंग का है हमारे समाज के। हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं और विधिक कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल, पारदर्शिता लगातार समय के साथ साथ बहुत बढ़ी है और लोग अगर शिकायत करेंगे तो बिल्कुल उनको रिजल्ट भी मिलेंगे। अगले हमारे कॉलर कौन है? हेलो, नमस्कार सर जी, नाम बताइए अपना। मैं जी राजा राम मान, गांव गुडिया, तहसील नौर, जिला हनुमानगढ़ से। राजा राम जी हनुमानगढ़ से, बताइए। हाँ जी, मेरे 2 खेत हैं, दोनों का रास्ता नहीं है। और आप मेरी बात सुनिए। जी जी जी, हाँ बताइए बताइए बताइए। हाँ जी, वो तो एक खेत मेरे पिता की मृत्यु के बाद में मेरे और मेरी माता की जमीन चढ़ गई जी। हमारे घर में कोई मुख्य आदमी नहीं रहा और मेरे 2 अंकल थे, उन्होंने वो जमीन बेच दी अपने अपने हिस्से की जी। जो और दूसरे वो खाते अलग करवाने के लिए पटवारी ने मुझसे अंगूठे लगवा लिए मेरे नाम का और मेरी माँ के नाम का लगवाना था, वो मेरा ही अंगूठा पकड़े निकाल लगा दिया। तो उसका रास्ता नहीं रहा, मतलब उसने मेरे, मैं बच्चा छोटा था, 400 कर ली, वो एक आर्मी में मेरा खेत है, दूसरा खेत है मेरा 14 जेएसएन में, तो उसमें मैं उसका रास्ता नहीं है। मैं जयपुर वसुंधरा के कार्यालय में गया जी, वहां मैंने दया की अर्जी लगाई सर, वहां से जवाब आया कि आप धारा 201 के तहत मुकदमा करो जी। मैंने आके सर मुकदमा कर दिया, एसडीएम कोर्ट में मेरे पक्ष में वो फैसला हो गया जी। वो फैसला पटवारी के पास चला गया भी कि इस किसान का रास्ता दिलाओ और ये रास्ता चढ़ाओ। उस पटवारी ने 20 दिन निकाल दिए भी, मैं आज चढ़ाऊंगा, कल चढ़ाऊंगा, परसोइया कर दिया, मतलब वो मुझे लारा जारा देता रहा और रास्ता नहीं चढ़ाया। सुभाष नाम का पटवारी था जी। और उसके बाद में वो सामने वाली पार्टी ने RAA हनुमानगढ़ के अपील कर दी जी। वो अपील खारिज करके वो पच्चा फैसला एसडीएम कोर्ट में आ गया और कानून निकाल रखे हैं सर, सरकार ने भी रास्ता दिलाओ किसान को जी। सर 4 साल हो गए, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या यह भ्रष्टाचार ब्यूरो में आता है? मीर जी, मैंने आपकी बात समझ ली, रास्ते के विवाद को लेकर के आपका कोई एक फैसला एसडीएम कोर्ट में हुआ है, उसकी अपील भी आगे चल रही है। हम इसको ये कहते हैं कि ये मामला सब जुडिस्ट है या न्यायालय के अंतर्गत आता है और इसमें तत्काल कोई इंटरवेंशन एसीबी के द्वारा नहीं किया जा सकता। फिर भी आपका जो भी मामला है, अगर आप इसको लिख करके हमें भेज दें या गंगानगर के जो चौकी प्रभारी हैं उनको दे दें, हम इसको एग्जामिन करा लेंगे। अगर हमारा कोई मैटर बनेगा तो जरूर हम कार्रवाई करेंगे। यहां इसी वक्त मैं एक बात और अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार निरोधक जो कानून है उसके तहत 3 तरह के मामले आते हैं। एक तो कोई भी कार्य करने के लिए यदि कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी कोई रिश्वत मांगता है तो लेने वाला और देने वाला दोनों ही मुलजिम है। अगर देने वाला हमारे पास आ जाता है तो वो मुलजिम नहीं है, हमारा परिवादी हो जाता है, और जो सरकारी अधिकारी रिश्वत मांगता है उसको हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं जी। तो ये तो हो गए ट्रैप केस। दूसरे तरह के केस होते हैं पद के दुरुपयोग के। जो आदमी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सरकार को नुकसान पहुंचाता है या किसी व्यक्ति किसी ग्रुप को फायदा पहुंचाता है तो हम उसमें भी कार्रवाई करते हैं। और तीसरे तरह के केस हम करते हैं वो आय से अधिक संपत्ति के, यानी यदि किसी सरकारी अधिकारी कर्मचारी ने अपने जो उसके नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम हैं, उसके ज्ञात साधन हैं, उनसे अधिक अगर संपत्ति बना ली है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं। तो इस तरह के 3 के ग्रुप में अगर आपकी शिकायत होगी तो जरूर हम लोग कार्रवाई करेंगे।
बिल्कुल। हमारे साथ कौन है अगले कॉलर? हेलो। हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्ते मैम। कौन बोल रहे हैं? जी मैम, रवि सैन बोल रहा हूँ। रवि जी आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं भरतपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। बताए रवि जी, क्या सवाल है? जी जी मैम, यही है, जैसे अपने वो ठेके होते हैं वो दारू के, जी जो मतलब वो क्या बोलते हैं उनको, जो देसी बोलते हैं, देसी देसी दारू, तो मैम इन पे कार्यवाही नहीं होती क्या? इनका टाइम टेबल नहीं होता क्या फिक्स? अच्छा, जो टाइम मेंटेन्ड है वो आप कहते हैं कि टाइम मेंटेन नहीं करते हैं, 8 बजे तक वो बंद हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, यही बात कह रहे हैं ना आप? जी। रवि जी, आपका जो मामला है वो एक्साइज डिपार्टमेंट इसके लिए है और वो इसके लिए अधिकृत है कि कौन सी दुकान कब तक खुलेगी या कब तक बंद होगी, किन किन दिन पे, कुछ ऐसे भी ड्राई डेज होते हैं कि उस पर बंद रहेगी, ये सारे आदेश जो हैं एक्साइज एक्ट के तहत होते हैं, पीसी एक्ट के तहत इन पे कार्रवाई नहीं होती है। जी, अगले कॉलर। हेलो। हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी मैम, नमस्कार। नमस्कार जी मैम, मैं ये जानकारी चाहता हूँ कि जी मैम, मैं एक बार मैंने केस करवाया था मैम कि भ्रष्टाचार से संबंध में था, तो मैम वहाँ से मेरे से रिक्वेस्ट, वो जो रिश्वत बोलते हैं वो मांगी गई थी मैम, तो फिर हमने देने से इनकार कर दिया था, तो जो वहाँ का मेन हवलदार है उसने तो मना कर दिया था, लेकिन मैम जो पुलिस अधिकारी है उसने कहा नहीं, रिक्वेस्ट रिश्वत के बिना काम नहीं चलेगा, और केस वापिस उठाना था, तो मैम हमारे से रिश्वत लेती मैम। कौन से इलाके से बोल रहे हैं आप? मैम मैं उदयपुर से बात कर रहा हूँ। जी, उदयपुर से आप, आपसे रिश्वत किसने मांगी थी? हाँ जी मैम, 1000 रुपए लिए गए थे रिश्वत, रिपोर्ट लिखने के अलग लिए थे, और जो बाद में जो केस उठा था वो अलग से लिए थे। कहाँ की बात है, किस किसी थाने? जाडल थाना, झाड़ोल थाने की है। yes, तो जब आपसे इस तरह की रिश्वत मांगी जाती है उसी वक्त आपको एसीबी की चौकी है वहां जाकर के रिपोर्ट करनी चाहिए, तो हम ट्रैप का आयोजन कर लेते हैं। सर मैं एक जानकारी चाहूंगा जी, सर ये देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? सर ये जानकारी चाहूंगा। बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, रिश्वत देना भी जुर्म है। बिल्कुल, और इस तरह के जब बातें आपके साथ होती हैं तो उनको लिखित में शिकायत के रूप में देना भी आपका बहुत बड़ा दायित्व होता है, तभी उस पर कार्रवाई हो सकती है। अगले कॉलर हमारे साथ कौन है जानते हैं? हेलो, नमस्कार मैम। जी सर, केबी शर्मा निवेदन कर रहा हूँ, सुंदरपद बनीपाड़ जयपुर से। जी शर्मा साहब बताइए। प्रणाम सर, बोले सर। हाँ नमस्कार सर, प्रणाम सर। मेरे दो प्रश्न है छोटे छोटे से, एक तो कोई भी अधिकारी या कर्मचारी रंगे हाथों पकड़ा जाता है, जैसे कि समाचार पत्रों में, मीडिया में और आपके यहाँ से भी जो प्रेस विज्ञप्तियां जारी होती हैं, उसके बाद में एक उनके अनुसंधान चलता है, जांच होती है, फिर वो केंद्रीय कारागार चले जाते हैं, उसके पश्चात उनको जमानत मिल जाती है, एक समय पश्चात में वो बहाल हो जाते हैं और सरकारें उनको जब भी बदलती हैं या जो भी एक सिस्टम होता है उसके तहत उनको बहाल कर दिया जाता है और वापस से वो अच्छे पदों पर आसीन हो जाते हैं, तो क्या ये अभियोजन पक्ष या आपके यहाँ से जो भी अनुसंधान अधिकारी हैं उनका कहीं ना कहीं साक्ष्यों के अभाव में, गवाहों के अभाव में पक्षद्रोही हो जाते हैं, या ऐसा एक सिस्टम कि कोई भी व्यक्ति जो रंगे हाथों पकड़ा जा रहा है और रंगे हाथों पकड़ने के बाद में जब पूरा देश या पूरी दुनिया उसको देख रही है, उसके पश्चात वो व्यक्ति बहाल होके और विभिन्न अच्छे अच्छे पदों पर चले जाते हैं, एक तो ये। दूसरा ये सर मेरा आपसे निवेदन कि जैसे आपको जानकारी, एक तो परिवादी आपके पास में जाता है कि फला व्यक्ति मेड़ से रिश्वत मांग रहा है, चाहे वो हजारों में हो चाहे लाखों में हो। दूसरा ये कि आज आप अपने तरीके से स्वयं प्रेरित होके, जो आपकी कोई ऐसी टीम्स हैं या आपका एक गुप्त जो भी एक काम करने का तरीका है, इसका थोड़ा सा वो करें, तो मैं समझता हूँ भ्रष्टाचार पे कहीं ना कहीं अंकुश लगने की संभावना, पूर्णतया से बनने की संभावना हमारे देश में हो जाएगी। जी सर। शर्मा जी, आपका पहला पॉइंट ये है कि एसीबी द्वारा जो कार्रवाई की जाती है, रंगे हाथ लोग पकड़े जाते हैं तो वो कुछ दिन तो हमारे पास रिमांड में रहते हैं, कुछ दिन जुडिशियल रिमांड में रहते हैं, जेल में रहते हैं, फिर उनकी जमानत होती है और उनको वापस बहाल कर दिया जाता है, वो सस्पेंड भी होते हैं। यहां मैं स्पष्ट कर दूं, हम जो कार्रवाई करते हैं वो पीसी एक्ट के तहत हम एक कार्रवाई करते हैं जिसका जुडिशियल रिव्यू भी होता रहता है, लेकिन सस्पेंड करना और उसको नौकरी में वापस लेना या उसके कोई प्रमोशन ड्यू हैं तो उसको प्रमोशन करना, ये सारे कार्य विभागीय नियमों के तहत होते हैं और संबद्ध विभाग ही उनको अपने नियमानुसार करते हैं, यानी कि विधिक तौर पर जो कार्रवाई होती है वो एसीबी करती है,
और जो उनके सर्विस संबंधी जो नियम है उसके हिसाब से उनके विभाग करते हैं। रह गई बात कि उनको सजा जब मिलेगी तभी उसका जो है निर्णय होगा कि वो नौकरी में रहेंगे या नहीं रहेंगे। हम प्रोसिक्यूशन के साथ कोऑपरेशन करके लगातार ये कोशिश करते हैं कि हमने जिनका चलान किया है उनको सजा भी मिले। अभी तक जो हमारा परसेंटेज है वो 53% चल रहा है आजकल, जिसमें कि लगभग 53% में हम लोगों को सजा दिलवा पाते हैं। बिल्कुल। और इनका सेकेंड पार्ट जो था, स्वप्रेरित होकर और जिस तरह से आप उस कार्य को अंजाम देते हैं। हाँ, ये कहना बिल्कुल सही है कि प्रोएक्टिव होकर के, और हम अपने आप जो मैंने पहले भी आपको बताया कि दो तरह के हैं करप्शन के केसेस आते हैं, एक तो इंडिविजुअल, उसमें हम ट्रैप और मिसयूज ऑफ ऑफिस और डीए डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट इनके केस करते हैं, लेकिन जो संस्थागत भ्रष्टाचार होता है उसके लिए हम ही कार्रवाई करते हैं, जिसमें हम गोपनीय तरीके से सूचनाओं का संकलन करते हैं और योजनाबद्ध तरीके से फिर कार्रवाई भी करते हैं। आकाशवाणी के माध्यम से आप तक पहुंच रही हैं बहुत सारी बातें जो जुड़ी हैं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से, और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक डॉक्टर आलोक त्रिपाठी हैं हमारे साथ, जिनसे आप भी कर सकते हैं सवाल। सर, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कि समाज का ताना बाना जो कमजोर पड़ जाता है भ्रष्टाचार के कारण, लोग भी जब इस मामले में आगे आकर साथ सहभागी बन जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ी जो एक दुष्प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है भावी पीढ़ी पर, क्योंकि एक चेन बन जाती है। लाइक बड़े ऐसा कर रहे हैं तो उन्हीं को फॉलो करते हुए छोटे भी ऐसा करना शुरू कर देते हैं, तो किस तरह से इस चेन को तोड़ा जा सकता है, क्या लगता है आपको? गंभीर प्रश्न है आपका जी। और दो मिनट इस पे मैं जरूर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा जी। जब हम भावी पीढ़ी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि जो बालक है उसकी शिक्षा कैसी हो, उसका लालन पालन अपने घर में कैसा हो, उसको घर में कैसा वातावरण मिल रहा है, पीयर ग्रुप कैसा है, और ये सब अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि समाज के जितने भी अंग हैं, जैसे ही उसका साक्षात्कार हमारे बच्चों का होता है समाज के साथ, तो वो जो जहां जहां जाता है वो ऑब्जर्व करता है जी। तो इसलिए ये महती जिम्मेदारी है हमारे जो माता पिता हैं, हमारे जो शिक्षक हैं, और जो समाज को आगे ले जाने वाले जो लीडर्स हैं, उनके ये जिम्मेदारी है, मीडिया की जिम्मेदारी है कि किस तरीके से वो उनको ढालें कि हमारे समाज में भ्रष्टाचार जो है एक अभिशाप है और इससे दूर रहना है। तो जाहिर है मुझे बहुत कष्ट होता है जब कभी कोई शिक्षक ट्रैप होता है या शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार की बात सामने आती है, स्कॉलरशिप के बारे में भी कि हम पैसे लेकर के स्कॉलरशिप देंगे, इस तरह के केसेस भी सामने आए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी प्रकार से मेडिकल विभाग, जहां पे हम बीमार आदमी को
ट्रीट करते हैं, उनको स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, अगर वहां पर कोई भ्रष्टाचार सामने आता है तो भी बड़ा कष्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि समाज के वो डिपार्टमेंट, समाज के वो अंग जहां पर हम ये महसूस करते हैं कि संवेदनशीलता होनी चाहिए और जहां पर भ्रष्टाचार का कोई स्थान ही नहीं होना चाहिए बल्कि सदाचरण का स्थान, सदाशयता का स्थान होना चाहिए, वो नहीं होकर के और हम भ्रष्टाचार को अपना रहे हैं। ये छोटे छोटे स्वार्थों को लेकर के हम न सिर्फ अपनी बल्कि अपनी भावी पीढ़ी को भी नष्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो मॉरल वैल्यूज का डेवलप होना बहुत जरूरी है, जो एक परिवार में हो सकता है, माता पिता द्वारा, अभिभावक द्वारा और हमारे गुरुजनों द्वारा। और वैसे तो आज शिक्षक दिवस है, तो बिल्कुल शिक्षक दिवस को भी आप सबको बहुत बहुत बधाई जी। और हमारे कॉलर हमारे साथ कौन है अगले, आइए जान लेते हैं। हेलो, हेलो, नमस्कार सर। हाँ नमस्ते मैडम, परिचय दीजिए अपना और रेडियो की आवाज कम कर लीजिए। जी जी बताएं। हाँ सर को भी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, लोकेश बोल रहा हूँ हीरा की मोरी जयपुर से। जी मैडम, मैं कहना ये चाह रहा हूँ सर को कि एक तो सैलरी और एक भ्रष्टाचार का पैसा, सैलरी और भ्रष्टाचार के पैसे में कितना फर्क है। सैलरी जो हमें मिलती है, हम कितने हमारे बच्चों को ले जा करके और मिठाई वगैरह या कपड़े वगैरह जो भी दिलाते हैं, और वो जो पैसा है वो कितना, मतलब वो कहाँ कहाँ लगाने की सोचता है, कहाँ कहाँ लगाने की विचार करता है। वो पैसा यूं ही आता है, यूं ही चले जाता है। कितना गंदा होता है वो पैसा और कितने नुकसानदायक होता है वो पैसा। सर मैं यही जानना चाह रहा था, सैलरी और भ्रष्टाचार के पैसे में कितना अंतर है, आप अपने मुख से बताएंगे ज्यादा ठीक रहेगा। लोकेश जी आपने तो खुद ही बता दिया। मैं आपका समर्थन करता हूं। ये जो आदमी को वेतन का पैसा मिलता है और जो भ्रष्टाचार का पैसा होता है, देखने में तो एक ऐसा लगता है लेकिन परिणाम इसके बड़े दूरगामी होते हैं। तो वो पैसा जो मेहनत से कमाया हुआ है उसकी इम्पोर्टेंस ही अलग होती है। अगले कॉलर हमारे साथ है। हेलो। हाँ जी नमस्कार सर, मैं भगवान मूलचंदानी लालकोटी से बोल रहा हूँ। जी सर। हाँ मैडम, मैं त्रिपाठी जी से ये जानना चाहता हूँ जी, ये जो बजरी का मैटर है, ये मैं चाहता हूँ रसीद के साथ में मैं बजरी लूँ तो ले सकता हूँ। मुझे बताओ आप, हर जगह भ्रष्टाचार इतना अखबारों में आ चुका है, बजरी के मामले में अरबों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, तो अब ये डेढ़ साल दो साल से बंद कर रखी है बजरी, तो कैसे मकान बनेंगे जी। तो भ्रष्टाचार नहीं होगा तो और क्या होगा, बताओ आप इसका जवाब दो जी। बहुत सारे विभागों से अलग अलग तरह के सवाल आ रहे हैं जो मुझे लगता है अलग अलग विभागों से संबंधित है। ये तो संबद्ध विभाग बताएंगे आपको कि उसकी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है जहां आपको ऐसा लग रहा है ना कि भ्रष्टाचार हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो लिखिए, शिकायत लिखिए, क्योंकि आजकल जो लिखित शिकायत है उसी का महत्व है जी। और बजरी को लेकर के भी हमने कई सारे केसेस किए हैं। बजरी को लेकर यदि कोई व्यक्ति आपसे अनुचित डिमांड कर रहा है, आपसे पैसे ले रहा है उसके परिवहन के लिए, उसको आपके पास आप ले जाने के लिए, तो जरूर हमको बताइए, हमने पहले भी केस किए हैं, आइंदा भी केस करेंगे। सारे डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है जो इससे कनेक्ट। सर इस तरह से नहीं कह सकते हैं आप, जनरलाइज वे में आप नहीं कह सकते हैं, आपको पिन पॉइंट करना पड़ेगा, आपको नाम लेना पड़ेगा, विभाग का नाम, व्यक्ति का नाम, क्योंकि व्यक्तिशय ही आप शिकायत कर सकते हैं। तो एक जनरलाइज चीज को सामने मत रखिए कि ऐसा होता है, आपके साथ हुआ है तो कब हुआ है, किसके द्वारा हुआ है, वो बोलना और लिखना बहुत जरूरी है। अगले कॉलर तक हम पहुंचते हैं। हेलो नमस्कार। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? जी मैं गांव सावा तहसील पेड़वा जिला बाड़ में से गोर्धन नाम सीलोरा बात कर रहा हूँ। बोलिए सर। तो मेरा त्रिपाठी जी को भी नमस्कार। नमस्कार सर। मेरा सवाल ये है कि अपने भारत के अंदर भ्रष्टाचार एक दिन खत्म होगा, ये आप सोचते हैं क्या? ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है जी। आपकी चिंता जो है मैं सहमत हूँ उससे, लेकिन मैं आशावादी हूँ। मैं सोचता हूं जरूर भ्रष्टाचार खत्म होगा। बहुत बढ़िया बात आपने कही है, पॉजिटिव अप्रोच, सकारात्मक अप्रोच, वही आपको जिंदगी में आगे ले जाती है। अगली कॉलर कौन है जान लेते हैं। हेलो। हेलो नमस्कार मैडम। नमस्कार, मैं लक्ष्मण सिंह बोल रहा था मैडम। कहाँ से? शास्त्री नगर से। बोलिए सर। हाँ जी मैडम, सर से बात कर लीजिए कि सर मैडम ये पूछना चाहता था, भ्रष्टाचार जैसे खाली कई लेन देन होता है या अप्रोच लगाकर भी कोई काम करवाना, वो भी तो एक भ्रष्टाचार ही है। मतलब अप्रोच लगवा के कराना और या पैसा देके करवाना, तो आपको लगता है दोनों चीजें सेम है या नहीं, यही जानना चाहते हैं? हाँ जी। बहुत स्पष्ट परिभाषा हमारे कानून में दी हुई है कि आपको कोई न कोई फायदा पहुंचाना होगा। आदमी जो अपने फायदे की बात करेगा तभी होगा,
अब ये जब आप केस लेके आओगे तभी मालूम पड़ेगा कि किस तरह की तो सिफारिश थी और किस तरह का डिमांड थी और किस तरह का कार्य था, उसी के आधार पर तय होगा। क्योंकि भ्रष्टाचार के केस जो है वो केस टू केस हम लोग डिसाइड करते हैं, और जो हमारे, मैंने आपको पूर्व में ही बताया, तीन तरह के केस होते हैं, और जो हमारा एक्ट है उसके तहत ही जो उसकी परिभाषा में आता है उसी को हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ। बिल्कुल, तीन तरह के आपने बताया, ट्रैपिंग का होता है, पद का दुरुपयोग करना होता है, या फिर डीए यानी जो हमारे एसेट्स हैं वो आय से अधिक है तो उस पर होता है। अगले कॉलर कौन है? हेलो, नमस्कार। नमस्ते मैम, मैं श्रवण बोल रहा हूँ मानसा बाड़मेर से। बोलिए श्रवण जी। सर मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं जो अधिकारी अपने निजी स्तर पर रखते हैं, जो मतलब वो खुद कोई भी रिश्वत नहीं लेते, अपने कोई भी निजी है उसको उसको दे देना, या ऐसे होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं? सर बताएं। मैं आपका मतलब समझ गया, आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी स्वयं रिश्वत न लेकर के किसी को ऑथराइज कर देता है कि साहब उसको दे दो, तो यदि वो लिंक हम साबित कर लेते हैं तो वो भी मुलजिम है, दोनों ही मुलजिम होंगे। हम इसको आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि दलाल के थ्रू अगर कोई रिश्वत ले रहा है तो दलाल भी मुलजिम है, रिश्वत लेने वाला भी मुलजिम है, और इसको प्रूव करना जरूरी होता है और इसमें लिंक बढ़ाना जरूरी होता है। दोनों के बीच लिंक अगर साबित होगा तो जरूर भ्रष्टाचार भी साबित होगा। जी, हमारे साथ कौन है अगले श्रोता? हेलो, हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, परिचय दीजिए अपना। गांव टाउन बाद जिला कोटा के रामस्वरूप वालों बोल। रामस्वरूप जी बताइए। काफी पूछा जैसे डोनेशन लेना भी होती है कि वो से डोनेशन लेते हैं, किसे देते हैं? कॉलेजेस जो डोनेशन लेते हैं हाँ, वो क्या भ्रष्टाचार की कैटेगरी में आता है, यही जानना चाहते हैं? हाँ सर जी। कौन सा कॉलेज है और कितना डोनेशन ले रहे हैं, डोनेशन लेना उनके नियमों के अंतर्गत है या नहीं है, और जितना निर्धारित है उससे अधिक ले रहे हैं, ये सारे कई प्रश्न हैं, और उनके निर्धारण के बाद ही ये कहना उचित होगा कि कोई भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ। जी, अगले कॉलर से जुड़ते हैं। हेलो, हेलो, हाँ जी नमस्कार सर। जी नमस्कार, मैं शंकरलाल बोल रहा हूँ जोधपुर से। बोले शंकरलाल जी। जी मैम, मैं जोधपुर में जो हमारे जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पर मैंने एक बार देखा था, जैसे हमारे एमडीएम हॉस्पिटल है वहाँ, जहाँ मनोविकार केंद्र, वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था कि अगर आपकी कोई भी ये शिकायत है तो आपका समाधान इतने दिनों में होगा, इतने दिनों में होगा। मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह के बोर्ड बाकी जैसे बैंक से, जैसे और भी जो भी सरकारी ऑफिस है वहाँ पर भी अगर इस तरह से लगाए जाए और उनके कुछ फोन नंबर या ईमेल आईडी लिखी जाए तो हो सकता है मुझ जैसे आदमियों, जैसे मुझमें जोश है ऐसे लोगों के बारे में उनको बताना, उनकी शिकायत करना, और भी लोगों को थोड़ा सा इसका फायदा होगा। आपका कहना बिल्कुल सही है, प्रदेश सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमेशा ये कहते हैं कि संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही, ये तीन इम्पोर्टेंट अंग हैं किसी भी गुड गवर्नेंस के। तो हम जितना भी इसका प्रचार करते हैं कि हमारे विभाग के क्या काम हैं और क्या उसकी टाइमलाइन है, अगर ये बताई जाती है, और यही मैंने पहले भी कहा, वेबसाइट पे अपने बारे में जानकारी देना और पोस्टर्स के जरिए, बैनर के जरिए बताना, ये अपने काम के बारे में जानकारी, इससे पारदर्शिता बढ़ती है। और आपका कहना बिल्कुल सही है कि इस तरह के बोर्ड होने चाहिए जिसमें जो भी विभाग जो काम कर रहा है वो अपना काम किस प्रकार से करता है, कौन उसका जिम्मेदार है और कितने दिनों में करेगा, ये स्पष्ट उनको दर्शाना चाहिए। बिल्कुल, पारदर्शिता बढ़ती है और आप अप्रोचेबल भी बनते हैं। अगले कॉलर कौन है? हेलो, हेलो, हाँ जी बताएं। मैं मीना शर्मा बोल रही हूँ श्री गोपाल नगर से। मीना जी, आप पहली महिला कॉलर हैं, बताइए क्या कहना चाहिए? मैं अभी आपका पूरी वार्ता सुन रही थी जी, तो आपने उसमें एक क्वेश्चन पहले आया था कि जो नई पीढ़ी आ रही है जी वो भ्रष्टाचार से कैसे करेगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे हम मेरे यहाँ टेनेंट रहते हैं बच्चे जी, वो पढ़ाई करते हैं, कोई आरएस की तैयारी कर रहा है, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो मैं कई दफा देखती हूँ कि वो मैं उनसे पूछती हूँ तो कहते हैं आंटी आरएस में मेन में हो गया हमारा, लेकिन अब हमारा इंटरव्यू रह गया। तो कई दफे वो फिर पता पड़ता है साहब की रिश्वत मांगी थी और रिश्वत ना दी गई, इस कारण उनको आरएस में फेल कर दिया गया। और प्रेजेंटली मैं बताऊँ कि आज की बात नहीं है, ये 30 साल पुरानी ही बात है, क्योंकि मेरे जियाजी हैं, उन्हें आरजेएस का एग्जाम दिया था, तो जब उनसे 50,000 रुपए उस वक्त रिश्वत मांगी गई थी, वो इंटरव्यू में क्लियर हो गए थे और मेन में तो क्लियर हो ही गए थे, लेकिन उन्होंने जब 50,000 नहीं दिए तो उनको आरजेएस नहीं बनाया गया। तो आज के जो लोग हैं उनको भी देखने, बच्चों को भी, मैं तो वो क्या चीज है फिर, ये भ्रष्टाचार से रिलेटेड है या नहीं है?
जी बीना जी, आपकी जो शिकायत है बिल्कुल व्यक्तिगत है और सही समय पे उस वक्त अगर आपने कोई शिकायत की होती इस संबंध में तो जरूर उसकी जांच भी होती और जो भर्ती की एजेंसियां होती हैं वहां पर भी इसकी व्यवस्था होती है कि अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो उनको बताया जाए और वो उसका समाधान भी करते हैं। और फिर भी अगर ऐसा आपको लगता था कि कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो जरूर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जानकारी में इसको लाना चाहिए था। बिल्कुल। अगले कॉलर कौन है जान लेते हैं। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते जी। हेलो। हाँ बोलिए सर, नाम बताइए अपना। जी मैं खेमचंद बोल रहा हूँ। कहाँ से? जी मैं नगर भरतपुर राजस्थान। बोले खेमचंद जी, कोई सवाल करना चाहते हैं? जैसे कि हम भरतपुर जाते हैं वो लाइसेंस के लिए बनवाने के लिए आरटीओ ऑफिस, तो मैम वहाँ पे वो बोलते हैं कि इसमें अभी टाइम लगेगा, एक दो महीने लगेंगे, ये लगेगा। और कुछ लोग वहाँ पे रहते हैं आरटीओ में, तो बोलते हैं कि आप 1000 रुपए दीजिए, मैं 2 दिन में करवा दूंगा, 3 दिन में करवा दूंगा। मैम एक तो क्या जॉब करते हैं हम, बाई चांस छुट्टी मिलती है और फिर वहाँ जाते हैं तो भी कुछ नहीं होता। ये लाइसेंस की सुविधा ई मित्र या फिर तहसील स्तर पर नहीं होती है क्या? तो वहाँ आने वाली जो परेशानी है उससे आप परेशान हैं और व्यवस्थागत काम क्यों नहीं होता ये आप जानना चाहते हैं, है ना जी? हाँ, आप जो है भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत क्यों नहीं करते हैं यदि कोई आपसे पैसे मांग रहा है काम जल्दी करने के लिए? पैसे तो लोग काम देरी से करने के लिए भी मांगते हैं और जल्दी करने के लिए भी मांगते हैं, लेकिन ये मांगना ही गलत है, उसको तुरंत आपको बताना चाहिए। तो आपका विभाग वो विभाग है जहां पर इमीडिएटली अगर उस व्यक्ति की शिकायत हो, जो भी कुछ गलत हो रहा है उस बात की शिकायत हो, लेकिन वो बिल्कुल पिन पॉइंटेड शिकायत हो जिसमें सारा नाम आए, एड्रेस आए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, तो उस पर कार्रवाई जरूर होती है। और हम लोग एक जनरलाइज वे में ये बात करने लग जाते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन आपके साथ क्या वाकई ऐसा हुआ है तो उस चीज को आप कोर्ट करें, उसको आप लिखित में दें। हाँ, तो मात्र एक जनरलाइज व्यू बना लेना और कुछ काल्पनिक घटनाओं के बारे में या कुछ वास्तविक घटनाओं के बारे में अपने अनुभव को दूसरों के अनुभवों के साथ, जो सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, उनके बारे में जानकारी देकर जनरलाइज व्यू जो आपका होता है उससे बचना चाहिए। हम चूंकि कानूनी बात करते हैं और कानूनी कार्य करते हैं तो हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा। बिल्कुल। अगले कॉलर से हम जुड़ते हैं। हेलो। हेलो, रेडियो की आवाज़ कम कीजिए सर, अपना परिचय दीजिए। हाँ, मैं कैलाशन कुमार बोल रहा हूँ, जोखाड़ा जयपुर में। बोलिए कुमार जी। मेरा कहना यह है सर, हर सरकारी कार्यालयों पे, पुलिस थानों में और ज्यादा भी अपने को यहाँ दिखता है ना भाई भ्रष्टाचारी, यहाँ वहाँ हेल्पलाइन नंबर लिखे हुए जरूर रहने चाहिए हर ऑफिस के अंदर जी। उससे कह रहा कोई भी अगर कोई रिश्वत लेने का करेगा तो उसको डर रहेगा कि अभी कर देगा फोन नंबर देख के। अभी आम आदमी को मालूम ही नहीं है सर ये कि फोन नंबर क्या है, आपके वालों को समझ लो या आपके समझ लो ब्यूरो वालों को समझ लो, एक हेल्पलाइन लिखा हो रहेगा ना, उससे उसको मालूम रहेगा। बिल्कुल। और डर रहेगा। बिल्कुल, सर ने भी बताया था कि 55 चौकियां हैं पूरे राजस्थान में और जहां आप अपनी शिकायत कर सकते हैं और बहुत से नंबर्स भी होते हैं और सर की वेबसाइट भी है और जो नंबर है वो सर आपको बताएंगे, जो हेल्पलाइन नंबर है जिसके जरिए आप कनेक्ट होकर अपनी बात कह सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारी इसको हेल्पलाइन नंबर समझ लें या हमारे जो सेंट्रलाइज पुलिस स्टेशन है उसका नंबर है 271-2263। इस पे आप फोन करके और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगले कॉलर कौन है? हेलो, नमस्कार। हेलो। हाँ जी सर। जी मैं मोहम्मद वासी चार दरवाजे से बोल रहा हूँ। बोलिए सर। कनेक्टिविटी इनकी ब्रेक हो गई है, अगले कॉलर तक हम पहुँच रहे हैं। हेलो। हाँ नमस्कार दीदी। बोले सर। सर से पूछना चाहता हूँ कि मैम बहुत सारे भ्रष्टाचार रोज होते हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है मैम, मेरे से भी रिश्वत मांगी गई थी, लेकिन ज्यादातर लोग मैम डरते हैं शिकायत करने के लिए, क्योंकि अगर वो अधिकारी की शिकायत की तो आगे कुछ अपने को हानि ना पहुंचे, इस कारण बहुत से लोग शिकायत नहीं दर्ज कराते हैं मैम। बिल्कुल। तो इसके लिए कुछ प्रोटेक्शन वगैरह मिलता है क्या? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत सारे लोग जिनके साथ रिश्वत मांगी जाती है वो इस डर से नहीं बताते कि अगर बता देंगे तो अभी जो होने वाला काम है वो तो होगा या नहीं होगा, आने वाले बहुत से काम भविष्य में भी नहीं होंगे और तरह तरह से उनको परेशानी आएगी। इस संबंध में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हम हमेशा विभाग से संपर्क रखते हैं और उनको ये लिखते भी रहते हैं कि इस व्यक्ति ने हमें शिकायत की और हमने कार्रवाई की है, इसको किसी प्रकार से परेशानी नहीं की जाए।
अगर किसी प्रकार से वो परेशान करते हैं तो हम उनके विभाग के अधिकारियों को लिख के उनके संज्ञान में लाते हैं और वो कार्रवाई भी करते हैं। अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किए बिना भी बहुत से लोग कार्रवाई कर सकते हैं। आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना पड़ता है अगर रिश्वत मांगी जा रही है तो। अच्छा। और अगर आप कोई सूचना देना चाहते हैं और आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं तो हम उन सूचनाओं को डेवलप करते हैं और उन सूचनाओं में और भी जो योजना बनानी है फिर वो हम इसको टेकअप कर लेते हैं कि सूचनाओं को और उनको डेवलप करके फिर अपना केस बना देते हैं। उस सूरत में इनकी जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज नहीं होती है। जी, कॉलर कौन है हमारे? हेलो, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। ये सर को भी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग साहब। सर मैं एक सवाल है मेरा अस्पताल के बारे में, क्या मैं पहला लड़का था तो मेरे को क्या बहुत परेशानी उठाना पड़ी इस टाइम पे। कहते हैं कि सरकारी अस्पताल में बहुत सहूलियत है, गरीबों के लिए भी और अमीरों के लिए सबके लिए सहूलियत है। तो उस टाइम पे मैंने खूब भागा दौड़ी के बाद मेरा लड़का खत्म हो गया सर। उसके बाद तो उसके अंदर लाइनों में लगा देते हैं और जानकारी वाले लोग होते हैं। अब आपसे डॉक्टर ने कुछ मांगा, क्यों नहीं हुआ आपका काम? कोई रिश्वत मांगी गई आपसे? जी, बहुत लोगों के काम ऐसे होते थे, मतलब जानकारी की वजह से पहले उनको लेते थे, लाइन में लगे। मैं आपसे जी, मैं आपके से सहानुभूति रखता हूँ। दुखद घटना आपके साथ हुई जी। प्रत्येक विभाग में जो कार्रवाई है उसका कोई न कोई रूल्स रेगुलेशन होते हैं और उनके हिसाब से ही होता है। यदि किसी अस्पताल में 100 आदमी आएंगे तो उनके जो संसाधन हैं वो उनको उनकी देखभाल करेंगे। अगर 1000 आदमी आएंगे तो उन्हीं संसाधनों में जो काम होगा वो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। अपने संसाधनों में हर विभाग ये कोशिश करता है कि सबको लाभ पहुंचाया जाए। मैं यहां ये स्पष्ट कर दूं, बहुत जरूरी है स्पष्ट करना, कि जो विभागीय नियम है उनमें कोई अनियमितता होती है, उनमें कोई प्रॉब्लम होती है, हालांकि कोई डिमांड तो नहीं हुई, किसी को जल्दी देख लिया, किसी को देर से देखा, लाइन तोड़ दी, किसी ये चीजें भ्रष्टाचार में नहीं आएंगी, ये अनियमितताओं में आएंगी। और हर विभाग में जो नियम है उनको तोड़ के जो काम हो रहे हैं विभागीय अनियमितताएं कहलाती हैं। विभाग उनकी कार्रवाई खुद करता है, विभाग के अधिकारियों से आपको बताना चाहिए। और जहां पे तीन हमारे जो हम पहले बताया आपको, पद का दुरुपयोग या रिश्वत की डिमांड और डीए, जी, इन तीन तरह की बातें आएंगी तब उसका संज्ञान हम लेते हैं। बिल्कुल। कॉलर कौन है हमारे? हेलो, हाँ नमस्कार, वंदे मातरम, स्वागत है त्रिपाठी जी, सुषमा जी, शिक्षक दिवस के बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सुझाव की भाषा में बात करना चाहूंगी। पहला तो ये सिग्नल पे जो लोग भीख मांगते हैं और ये गाड़ियों पे मतलब रेड सिग्नल पे खड़े हो जाते हैं और चीजें बेच रहे हैं या गाड़ी साफ कर रहे हैं, तो काफी मतलब असुविधा का सामना करना पड़ता है। और दूसरा कहूंगी, घर घर आके मैं देखती हूँ डोर टू डोर लोग स्लिप लेके आते हैं कि हम इस एनजीओ से हैं, इस एनजीओ से हैं और रुपए मांगते हैं, तो कृपया इस पर रोक लगाने के लिए कुछ किया जाए तो बहुत अच्छा हो। भ्रष्टाचार संबंधी बात हम आज कर रहे हैं अपने इस खास प्रोग्राम में, तो मुझे लगता है उससे जुड़ी बात आपने नहीं कही है। अगले कॉलर तक हम बढ़ते हैं। हेलो नमस्कार। मैम नमस्कार जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं शाजीनगर जयपुर से बोल रहा था। बोले सर, कोई सवाल करना चाहते हैं? हाँ बताएं। मैम जैसे कोई अधिकारी है वो जैसे कोई काम नहीं करने की नीयत से वो काम डिले करता है जी, मतलब भ्रष्टाचार के उससे जी, तो इस संदर्भ में हम उसकी मतलब कंप्लेन कैसे कर सकते हैं? काम का डिले करना लेकिन डिमांड नहीं करना भ्रष्टाचार की परिभाषा में नहीं आता, विभागीय कार्रवाई के उस जी। वो नियत से मतलब वो कुछ मांग रहा है अपन से इनडायरेक्टली। किसी व्यक्ति की नियत जो है उसकी बातचीत से, उसके व्यवहार से ही मालूम पड़ती है। अगर वो डिमांड कर रहा है इनडायरेक्टली डायरेक्टली तो हमारे परिभाषा में आ जाएगा जी। तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए सर? आपको शिकायत करनी चाहिए अपने नाम अपने पते के साथ, कौन सा काम था, कौन मांग रहा था, डायरेक्ट मांग रहा था, इनडायरेक्ट मांग रहा था, ये सारी बातें लिख करके आपको देनी पड़ेंगी। आप वेबसाइट देखिए, हमारे थाने पे आइए, हमारे जयपुर के हेडक्वार्टर पे आइए अगर आप जयपुर के हैं, अगर बाहर के हैं तो हमारी चौकी पे जाइए, प्रत्येक जिले में हमारी चौकी है जी। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए सर। बहुत से लोगों ने अपनी बात आपके सामने रखी और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये संदेश पहुंचे कि हर नागरिक करप्शन रहित समाज के निर्माण में अपनी भूमिका कैसे निभा सकता है, किस तरह से वो जो एक सपना है ना करप्शन फ्री इंडिया, वो सपना पूरा हो सकता है। करप्शन फ्री करने के लिए ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है, वो भी जो अधिकारी हैं, वो भी जो विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं,
और वो भी जिनके काम हो रहे हैं। हमारा देश, हमारा प्रदेश लगातार प्रगति के पथ पर चल रहा है और ये प्रगति निर्विघ्न आगे बढ़ती रहे, इसके लिए जरूरी है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते रहें। ये जो भ्रष्टाचार रूपी बीमारी है, ये हमारे विकास को रोकती है। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। हमारे आने वाली पीढ़ी और हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज को भ्रष्टाचार मुक्त करें और पूरी शिद्दत से विकास के रास्ते को चुनें। बिल्कुल। तो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक डॉक्टर आलोक त्रिपाठी जी का हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे इस आकाशवाणी के माध्यम से आपने अपनी सभी बातों को सबके सामने ये, ये जो हमारा जो 1960 का ये गाना है जी, और आप इस गाने की जो वैल्यूज हैं उनको देखिए, उस टाइम का भारत की वैल्यूज क्या थी, आज वो कितनी प्रासंगिक हैं, और मुझे भी ये गाना पसंद है। थैंक यू सो मच सर। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का स्पेशल फोन इन प्रोग्राम, जिसका तकनीकी निर्देशन किया आरएस त्यागी जी ने, तकनीकी सहयोग था ओपी शर्मा का, प्रस्तुतिकरण सहयोग अशोक मीना और मुकेश शर्मा, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राकेश जैन। दीजिए इजाजत सुषमा को, नमस्कार। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है।